चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक बड़ा सा मैदान एक मिट्टी का बना हुआ है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हेलो दोस्तों, आज फिर हम वही खेतरी नगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो खेतरी नगर है उसके एक छोटा सा शहर है कोप्पर, वहीं पे है। यहाँ पर खेतरी नगर में तांबे की दो खानें निकलती है, कि दो माइनिंग्स है। एक तो है कोप्पर माइनिंग्स, एक है वो कोयलान माइनिंग्स, जो थोड़ी आगे है यहाँ से 10 किलोमीटर के आगे, और जो मेरे सामने पहाड़ है वहाँ पर माइनिंग्स की जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर कोप्पर शहर में है, छोटा सा ये शहर है। अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं रहते इसमें। सामने तो मेरे प्ले ग्राउंड है और यहाँ पे जो माइनिंग्स में काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट है या वर्कर्स है। दोस्तों हम फाइनली पहुंचे कहाँ पे, ये है जहाँ से इन पहाड़ों में निकलता है तांबा, इधर से कहीं से निकलता है। खाने अंदर माइनिंग हो रखी है काफी ज्यादा, तो वहाँ से इसमें तांबा निकलता है। तो वहाँ की जो अंदर की मिट्टी है ना, जैसे इनको मशीनों से तांबा निकाला जाता है और फिर बाकी जो कचरा रहता है, मिट्टी रहती है ना, उनको यहीं पे लाके डाल दिया जाता है। तो एक ये वो तांबे वाली ही मिट्टी है, तांबा इसी के बीच में से तांबा निकला है। अपने राजस्थान का, अपने देश का खेतरी नगर में है ये। और हम थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन ठीक टाइम पे, इधर सनसेट होने वाला है, उधर शायद नील गाय है, थोड़ा बहुत बच रहा है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये सनसेट वाला दोस्तों, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो हम एक बार फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे व्लॉग बनाते हैं सनसेट। नहीं ये है अरावली पर्वतमाला के जो सीरीज जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में हम बीचों बीच खड़े हैं, खेतड़ी नगर में जो कोप्पर शहर है उसके बीच में। ये एक मेरी मम्मा का शहर है और मुझे इसे बचपन से प्यार है हमेशा से, और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है यहाँ पे, अच्छे मतलब साफ सफाई के मामले बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत शांत और समझदार है। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो मेरे पीछे जो आपको देख रहे हैं, जो ऊपर वो लाइन जा रही है, वो आपको लग रहा होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे देखो वो जो दिख रहे हैं ना, उस पर जो लटके हुए हैं वो एक बॉक्स से कुछ बीच में ना बोल, तो ट्रॉली बॉक्स है वैसे कुछ, तो उधर भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो दिखाऊंगा मैं आपको वो भी। तो उसमें क्या है कि एक माइनस उधर है और एक ये कॉपर वाली माइनस है, तो दोनों में तांबा एक्सचेंज होता था और फिर उनकी वहाँ पर साफ सफाई होती थी, तो उसकी जब लाइट सप्लाई होती तब वो इधर से उधर जाते रहते। हम देखते जब हम बचपन में बस में आते थे ना, तो उस वक्त हम लोग देखते थे। ये जो है यहाँ पे, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट यहाँ का मुझे लगता है फ्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी डालती है ना उस पर पानी तो डालती है, और ये नीचे से अंदर से जमीन से निकले पानी के साथ, तो पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा तो है ही, अपने राजस्थान में बहुत भयंकर है। तो जैसे बारिश वगैरह होती है यहाँ पे, तो इधर से पानी से ये मिट्टी कट भी जाती है। देखो यहाँ पे जो कटी हुई मिट्टी है बारिश में से कटी होती है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल माइनिंग मोटर के थ्रू पानी के थ्रू, जो वहाँ के नीचे की तरफ पानी तो होता ही है अंदर, क्योंकि ये 1-1.5 किलोमीटर नीचे तक है अंदर ये माइनिंग, तो वहाँ से जो पानी होता है उनको इसी मोटर के थ्रू, बड़ी बड़ी मोटर लगी हुई है उनको निकाला जाता है। चल झूठा।
पैर भी स्टार्ट किया गया है, देखो वहां से निकल रहा है पानी भी आ रहा, और ये अलग सा डार्क टाइप पानी है बिल्कुल। दोस्तों इसको थोड़ा छुप के देखते हैं कि ये कैसा लगता है ना। सीमेंट टाइप कुछ है, सीमेंट सा है, थोड़ी स्मेल भी मार रहा है। आ तो जाके डूब जा, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं वो लोग, दिखाना भी। मुझे लगता है अपन जहाँ पे खड़े इसके नीचे और भी छोटे छोटे पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है और बीच में एक बड़ा सा मैदान एक मिट्टी का बना हुआ जो काफी बेहतरीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज अब यहाँ के लिए इतने, अब चलते हैं हम यहाँ पे कोपर के जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे चलेंगे। तो क्यों ना रे वीडियो। I should fuck her in the best.